breaking news coming in. The NBA has now confirmed that President Joe Biden has now invited Prime Minister. मैं देख रही थी कि ये जो United Nations की summit for future है, ये क्या है? लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया? उस summit में जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो General Assembly से address करेंगे और summit को भी attend करेंगे, क्या उस summit में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? वैसे तो हमारे 70 साल से ज़्यादा से इत्तेहादी हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको पाकिस्तान का दोस्त कभी नहीं समझा। मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है, कई प्रोग्राम्स मैं आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ टू जस्ट ब्रिंग होम कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान को बिट्रे किया है अमेरिका ने। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, बहुत और क्रिटिक हूँ बहुत सारी पॉलिसीज का, जो मोदी सरकार की पॉलिसीज है। और लेकिन एक बात पे मैं उनको दाद देता हूँ, अब यहाँ कोई नाराज के दिन होना है तो हो जाए पाकिस्तान में, एक बात की दाद देता हूँ नरेंद्र मोदी को। हम मजाक उड़ाते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो चाय वाला उनका वजीर आजम बन गया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई चाय वाला जो है वजीर आजम बने? छोड़ दें पॉलिसीज को या बीजेपी क्या करती है, एक मिनट साइड पे रखें, आप किसी चाय वाले को पाकिस्तान में तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इस मुल्क का हुक्मरान बनेगा? Also tonight, Indian Prime Minister Narendra Modi is heading to the US again, September 22nd and 23rd, at the dates released for the United Nations Summit of the Future event in New York. India ki diplomacy ne wo kaam kar dikhaya hai jisse dusron ko learn karne ki zarurat hai. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ कंफर्म होते ही अमेरिकन इंडियंस का उत्साह जोरों पर है। पीएम मोदी की ये यात्रा बहुत ही खास है क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि चंद हफ्ते पहले पीएम मोदी का ये अमेरिकन विजिट और अमेरिकी इंडियंस को संबोधित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका की ये यात्रा इस बार ऐसे समय पर हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं, जिनके बीच चुनाव हो रहा है। अगस्त की शुरुआत से ही आयरलैंड में ये हो रहे कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। पीएम मोदी के आगामी में संबोधन को लेकर जितना बड़ा उत्साह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय प्रवासियों ने 24,000 से अधिक लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन अभी से करा लिया है। IACU यानी इंडो अमेरिकन कमेटी ऑफ USA के मुताबिक 24,000 से अधिक भारतीयों ने पीएम मोदी को सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हालांकि जिस जगह पर ये कार्यक्रम होना है वहां की कुल कैपेसिटी 15,000 है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 24,000 से ज्यादा लोगों ने करा लिया है। हालांकि IACU ने कहा है कि लोगों के बैठने की व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका के 42 राज्यों से भारतीय अमेरिकन भाग ले सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है
जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं, वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सेप्टेम्बर में। सेप्टेम्बर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है, क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है, लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे, और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ, एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं, नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से, जैसे कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि एफर्ट्स टू मीट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, फिर एफर्ट्स टू इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एफर्ट्स की जाएं कि जो हमारे सामने इस वक्त है चैलेंजेस दरपेश हैं दुनिया को, दुनिया के सामने वो कैसे उनसे उन चैलेंजेस का सामना किया जाए, फिर ये समिट इसके ऊपर है कि जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद हैं दुनिया के कंट्रीज के सामने उन कंट्रीज से वो कैसे हासिल की जाए, हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो हमारे 70 साल से ज़्यादा से इत्तेहादी हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको पाकिस्तान का दोस्त कभी नहीं समझा। मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है, कई प्रोग्राम्स मैं आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ टू जस्ट ब्रिंग होम कि कितनी दफ़ा पाकिस्तान को बिट्रे किया है अमेरिका ने, बीइंग एन एलाई, बीइंग ए फ्रेंड। ठीक, चाहे उसकी बात आप 1971 से शुरू कर लें, चाहे आप उससे पीछे चले जाएं, उससे पीछे 60s में अयूब खान के दौर में PL-480 नाम की एक चीज़ थी जिसके तहत हमें इमदाद आती थी। उस वक्त एक कार्टून मुझे याद है कि अमेरिकन हेड जो होता है ना, उसके ऊपर का वाला हिस्सा बड़ा लंबा होता है, तो उल्टा करके पकड़ा हुआ एक हाथ से डाल रहे हैं वो बोरी में और नीचे दूसरे हाथ से निकाल रहे हैं। तो ये बिट्रेयल की लिस्ट बहुत पुरानी है। उसके बाद चाहे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी जवाब हो अमेरिका के पास, एक लंबी रिजीम है सैंक्शंस की पाकिस्तान के खिलाफ। मेरे ख्याल से अगर मिला के अगर आप उसको देखें तो कोई 20-22 साल बन जाते हैं जब हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगी रहीं और उसके अंदर बिट्रेयल की और नई मिसालें कायम हुई कि हमने उनको अदायगी की हुई थी अपने F-16s की।